सियासत व्यापार खेडां ते फिल्म जगत दे नाल देश दुनिया दी हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो देश दी नंबर वन न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। सानू लोड़वंद लई कोई काम करना चाहिए तो अज महामारी का समय तो दवाइया बहुत महंगियां क्यों ना यार आप दवाइया जिहड़ियां ने घर घर पहुँचाईए तो जिहड़ा लोड़वंद आ उहनू फ्री देईए। जिहड़ी चीज़ तुसीं 10 वाली मान लो 70 ते बेच दिओ यार उहनू कहां मैं 20 छड्डी मैं 50 रुपये मुनाफा छड्डिया मेरा दसवंद है। सिर्फ ये सोच नू लै के असी ये अपना मैसेज जिहड़ा वायरल किया सीगा। आम बंदा जांदा डॉक्टर की पर्ची लैके पहली गल तो डॉक्टर की पर्ची हर बंदा पढ़ ही नहीं सकता वीर जी वो पर्ची अगे रखता मेडिकल स्टोर से वो दवाइया देंदा असी वक्त तो वक्त टोटल चैक करते हैं भी हाँ यार 200 वाली दवाई 20% लैस 160 की लाभ की बात इन्हें 20% लैस दे दी ये नहीं पता भी 200 वाली दवाई तो है ही 20 रुपए की है। मैं कहना चलो जो 100 दुकानदारों में 10 भी ऐसे भी है जिहड़े चंगे है जिहड़े 10 वाली चीज़ में 15 या 20 च बेचते हो मैं मानता इस गल पर कई जिहड़े आ इस आड़ दे विच 10 वाली चीज़ में 80 तो 90 रुपए च भी देंदे आ। अज मनुखता मर रही है अमेरिका दे विच करोड़ों की गिनती जो कह रहे पेशेंट आने वाले आ लखां उत्थे जिहड़े आ पेशेंट आ चुके आ हजारां लोग मर चुके आ अज भी असी लोग जीवन नालों वध तरजीह पैसे नूं दे रहे हां। कोरोना काल दे विच पंजाबियों वल्लों वड्डी मदद की गई जरूरतमंद लोगों की चाहे वह राशन नूं लैके होवे चाहे होर जरूरतों नूं लैके पंजाब भर दे विच वड्डियां समाजिक अते गैर सरकारी संस्थावां वल्लों वड्डे तौर पर मदद दे हाथ वधाए गए जिस तों बाद महंगी दवाइयां नूं लैके लोगों नूं दवाइयां तों राहत पहुँचाने वास्ते गुरु नानक मोदी दवाखाना खोलिया गया सिख वैलफेयर कौंसल वालों। तस्वीरां तुसीं देख सकते हो कि लुधियाना के पवीलियन रोड से पवीलियन मॉल रोड से यह दवाखाना खोलिया गया जिथे सवेर तो शाम तक वड्डी गिनती दे विच लुधियाना शहर वासियों का हजूम देखने को मिलता है क्योंकि इत्थे जिहड़ियां दवाइयां वै बाजार रेट से होलसेल रेट से प्रोवाइड करवाइया जांदियां लोगों नूं पर बीते दिन ही इस दे प्रबंधकां वल्लों एक वीडियो जारी की गई तो आरोप लाए गए जिस दे विच दस्या गया कि दवाइयां दे विच रेटां नूं लैके उन्हां वल्लों एक वीडियो वायरल की गई सी तो आरोप लगाए गए कि कुछ दवाई कंपनियां अते दवाई विक्रेता दे नाल नाल शहर दे नेता लोग इस मोदी दवाखाना नूं गुरु नानक मोदी दवाखाना नूं बंद करवाण दे वास्ते प्रयास कर रहे ने। साडे नाल मौजूद ने जिंदू जी। जिंदू जी एक वीडियो वायरल तुसीं कीती एक महीने तो वक् वध समा हो चुका है लगातार लोगों की सेवा कर रहे हो सस्तियां दवाइया करोना काल दे विच लोगों नूं मुहैया करवा रहे हो हुण तुहाडे वल्लों आरोप लगाया गया कि कुछ लोग इस नूं बंद करवाण वास्ते साजिशां रचदे ने की ओह साजिशां ने ते दवाइयां दे रेटां दे विच इन्ना अंतर किस तरह वा? वीर जी अज तो एक महीना 7 दिन पहला असी तो कदे दवाइयां वाले फील्ड च आए नहीं सी असी तो लंगर की सेवा राशन की सेवा कर रहे सी उहदे विच भी सरकारां दी भूमिका तुहानू सारिआं नूं पता है जदों सानू लग्गिआ भी नहीं यार इहदे तों हट के सानू लोड़वंद लई कोई काम करना चाहिए तो अज महामारी का समा है तो दवाइयां बहुत महंगियां क्यों ना यार आपां दवाइयां जिहड़ियां ने घर घर पहुँचाइए तो जिहड़ा लोड़वंद आ उहनू फ्री देईए। सो असी वो सोच रख के सिख वैलफेयर कौंसल के वीरां ने यह प्रोजैक्ट तैयार किया संगत तो असी पुछया संगत ने सानू इस प्रोजैक्ट लई सहयोग किया मानता दिती ते मानता लैण तो बाद असी ये शॉप ते आके गुरु नानक मोदी खाना 17 मई नूं 5 प्यारियां दी अरदास करके ये शुरुआत कराई। जदों साडी शुरुआत होई ते इत्थे असी एक स्टाफ अपॉइंट करता जिन्हों कहता भी जो रेट दवाई आऊगी उस रेट दवाई जिहड़ी आ वो आम बंदे तक पहुँचदी करनी है किसी तरह का खर्चा किसी तरह का भी किराया जिहड़ा वह विच नहीं पाउणा एक रुपया भी खर्चा ऐड नहीं करना जिहड़ी चीज़ 9 रुपए की आई है वह 9 रुपए की देनी है जिहड़ी 10 की आई है वह 10 की देनी है। सो असी ये प्रोजैक्ट कर रहे सी पर पिछले हफ्ते साढ़े जिहड़े दो वीर सीगे वह एक महीने सेवा करन तो बाद उन्होंने दो छुट्टियां कीतियां ते साढ़े कोले माल की शॉर्टेज आई असी आप माल लैण वास्ते होलसेल मार्केट चले गए असी उत्थों जदों माल खरीदया माल खरीद के साढ़े लिए बड़ा शॉकिंग होया कि असी माल लैके आए घर आके इत्थे आण के जदों असी रेट चैक किए भी एक दवाई की कॉस्ट 10 रुपये सानू पई है उहदे ते प्रिंट 140 रुपये। सो मैनू बड़ा अचंबा होया असी रोज़ रात नूं लाइव चलाउने आ डेली 2 घंटे अपना जिहड़ा लाइव का परिवार है
सिख वैलफेयर काउंसल का अपनी विचार की सांझ करते हैं, अगले दिन की प्लैनिंग करते हैं भी सेवा किमें करनी है, ड्यूटियां लगाइया जा कल ड्यूटी तुहाडी है कल मेरी। उस मैं सब नूं दस्या भी आह कुछ हो रहा है भी दवाइया यार 10 रुपए वाली डब्बी 140 की मिलती पई है, हुण इहदे चों इह कहिंदे जी भी जेनेरिक दवाइयां जिहदे ते इह जवाब दित्ता दवाइया वालिया ने। मैं कहना चलो जो 100 दुकानदारां विचों 10 भी ऐसे भी है जिहड़े चंगे है जिहड़े 10 वाली चीज़ नूं 15 च जां 20 च बेचदे होणगे, मैं मानदा इस गल नूं, पर कई जिहड़े आ इस आड़ दे विच 10 वाली चीज़ नूं 80 तों 90 रुपए च भी दिंदे आ। इह गल असीं उहनां वास्ते कीती है जिहड़े लुट कसुट कर रहे आ भी यार उहनां बंदिआं नूं सोचणा चाहीदा, अज्ज मनुखता मर रही है। अमेरिका दे विच करोड़ों की गिनती जो कह रहे पेशेंट आने वाले आ, लखां उत्थे जिहड़े आ पेशेंट आ चुके आ, हज़ारां लोग मर चुके आ, अज भी असी लोग जीवन नालों वध तरजीह पैसे नूं दे रहे हां। जिहड़े भी दवाइयां वाले वीर है मैं उन्होंने एक गल पुछनी चाहुंदा, तुसीं गुरुद्वारे मंदिर जाते जे कोई 100 कोई 400 कोई 500 अपना गोलक च पा के आउंदे जे ते तुहानूं सिर्फ इन्नी बेनती की भी आ 2 महीने यार तुसीं अपनी दसवंध की माया अपने काम च ही कढ दिओ। जिहड़ी चीज़ तुसीं 10 वाली मान लो 70 च वेच दिओ यार उहनूं कहा मैं 20 च छड्डी, मैं 50 रुपए मुनाफा छड्डिया मेरा दसवंध है। सिर्फ ये सोच नूं लै के असीं ये अपना मैसेज जिहड़ा वायरल कीता सीगा, पर सानूं ये गल भुल गई सी भी कल युग दे विच अज दे जमाने च सच नूं फांसी चढ़ाया जांदा। सो असीं वेखो जिहड़ी दवाई आई इहनां दित्ती, दवाइयां दा जिक्र कीता मैं विच टोकना चाहुंदा तुहानूं, हर एक दवाई का ही इन्ने परसेंट का मार्जन है या कुछ मेन खास दवाइयां है जड़ियाँ इस रेट पर आदि वा कि ज़्यादातर दवाइया ही मतलब कि इन्नी वड्डी कमीशन दे विच आंदियां वा। जिहड़ी अज लुधियाने शहर दे विच किसे दुकान ते चले जाओ जिन्हां नूं ये जेनेरिक ते एथिकल का फर्क दसदे आ ना, 50% दवाई एथिकल विकदी है, 50% दवाई जेनेरिक विकदी है। तो एथिकल ते जिहड़ी लैस है वह एथिकल दवाई की है उहदे ते कंपनियां दे खर्चे पए हुंदे आ, MR रख्या हुंदा उन्होंने, फिर रीजनल मैनेजर रख्या हुंदा, एरिया मैनेजर रख्या हुंदा, फिर उहदी सैंपलिंग कीती हुंदी है, फिर वो डॉक्टर नूं अपने हाथ च लिया हुंदा भी साडी दवाई लिखो, वो खर्चे करदे आ बहुत ज़्यादा, उहनूं एथिकल हो जांदा अप्रूवड है। 10 साल लई वह मॉलीक्यूल पेटेंट कराया जांदा, 10 साल का समा पूरा होने तो बाद वह सारा फार्मूला तुसीं बना लो तो वह जेनेरिक है, 10 साल तक मैं बनाना वो एथिकल आ, आह फर्क है। दवाई दे विच कोई फर्क नहीं हुंदा, दवाई दे सॉल्ट दे विच कोई फर्क नहीं हुंदा, दवाई दी होर हुंदे जो भी मेजरमेंट हुंदे आ उहदे कोई फर्क नहीं हुंदा, नहीं फर्क, क्योंकि जिहड़ी भी दवाई बन के निकलदी भावें तुहाडी फैक्टरी चों भावें वह लैब टैसट हुंदी है, जे कोई बंदा दवाई गलत बनाऊगा तो फैक्टरी वाला उस वेले जेल चला जाऊगा कि दवाई गलत बनाई है। दवाइयां ठीक हुंदियां ने, सिर्फ ये है भी जिहड़ा 10 साल मैं पेटेंट कराया मैं करा तो एथिकल है, जिहड़ा 10 साल दे विच तुसीं करदे हो 10 साल तों बाद जेनेरिक है। सो वो जिहड़ी जेनेरिक दवाई है हुण दवाई वह हैगी 10 रुपए की, प्रिंट उहदे ते लाया एथिकल वाला, हुण प्रॉब्लम की है भी जां मैं ये रौला पाउणा भी जे तुसीं सच्चे हो तो अज तक इन्हां दुकानदारां ने यह मंग क्यों नहीं चक्की भी भाई एथिकल दवाई या जेनेरिक दवाई ते आइडेंटिफिकेशन मार्क होवे भी ये हैगा जेनेरिक दवाई, इहदी कॉस्ट 10 रुपए है, 20 तों वध नहीं बिकणा। फिर तुसीं बाहरले देशां च की हुंदा वीर जी, उत्थे भी इदां ही है जेनेरिक एथिकल दोवें हुंदियां, उत्थे कहा जांदा भी यह दवाई 20 रुपए की है यह जेनेरिक है, यह 200 की है यह एथिकल है, तुसीं कहड़ी लैनी है तुहाडी मर्जी हुंदी है, तुसीं 20 वाली नूं हत्थ पा लो, तुहाडी मर्जी तुसीं 200 वाली लै लो। कहण दा मतलब कि जेनेरिक ते एथिकल दवाइयां दे विच कंपनियां कोई फर्क नहीं रख रही, जिस करके जो आम रिटेलर ने वड्डा मुनाफा कमा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, जिस करके जो आम रिटेलर है थोड़े छड के बहुते जिहड़े आ लुट खसुट कर रहे हैं, उन्होंने राह मिले लुट खसुट करन दा, वह की करते हैं हुण तुसीं दवाई लैन जाओ मैं तुहाडे अगे 2 पत्ते रखदा, शायद तुहानू भी पहचान ना होवे जेनेरिक किहड़ी है एथिकल किहड़ी है। आम बंदा जांदा डॉक्टर की पर्ची लै के, पहली गल तो डॉक्टर की पर्ची हर बंदा पढ़ ही नहीं सकता वीर जी, वह पर्ची अगे रखदा मैडिकल स्टोर दे, वह दवाइया देंदा, असी वध तों वध टोटल चैक करते हैं भी हाँ यार 200 वाली दवाई 20% लैस 160 की लाती, वाह भी वाह इन्हें 20% लैस दे दी, नहीं पता भी 200 वाली दवाई तो है ही 20 रुपए की है। सो ये चीज़ा आम लोगों अवेयर करने वास्ते असी अपनी वीडियो बनाने, क्योंकि जे लोगों अवेयर नहीं करांगे तो लोगों को पता नहीं आऊगा। हुण अज जागृति आ रही है इस गल दी लैके भी यार इदा हो रहा, हुण अज जे बोलांगे तो कंपनियां वाले आपे कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क लाउणगे, या वो जिहड़ा 10 वाली दवाई है उहदे ते प्रिंट रेट जिहड़ा 200 है 140 है उहनूं 20 कर देणगे। तुहाडी जागृति जिहड़ी लियाई जा रही है लोगों के विच उह हुण कई लोगों नूं चुभनी शुरू हो गई, जिस तरह तुसीं अपनी वीडियो दे विच भी कहा, कौन ने वो लोग जिहड़े हुण मतलब कि तुहाडे इस जिहड़े गुरु नानक देव जी दी सोच नूं मद्देनजर रख के गुरु नानक मोदी दवाखाना खोलिया गया उसनों बंद कराने वास्ते साजिशा रच रहे हैं।
ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੌਨਸਪੀਰੈਂਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਾਈ, ਜੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਫਰੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਲਿਆ, ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, 13-13 ਤੋਲੋ, ਹਰ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਅ ਲਿਆਓ ਉਸੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ 40-50 ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੌਜਵਾਨੀ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜਿੰਦੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ, ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਰੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵੇਕ ਟਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ। ਆਲ ਵਰਲਡ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ 17 ਟਾਈਮ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਪੰਡਿਤ ਮੌਲਵੀ ਬੇਗਮ ਤਾਂਤਰਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ। ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਸੱਟਾ ਨੰਬਰ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਨਬਨ, ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾ ਚੱਲਣਾ, ਸਿਰਫ 31 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧਾਨ। ਫ੍ਰੀ 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 ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਮੋਬਾਈਲ 84-374-94-647, 84-374-94-648। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।